तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सरप्राइज भी है। तो ये सरप्राइज क्या है, इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शादी हो या फेस्टिवल, किसी भी ओकेजन में हर कोई चाहता है साड़ी या लहंगा पहनना। जैसे कि आपने देखा होगा, बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी किसी भी ओकेजन में साड़ी या लहंगा पहनना पसंद करती है। सिंपल साड़ी हो या सिंपल लहंगा, फिर भी उसका लुक अच्छा लग सकता है बिकॉज ऑफ उसके डिजाइनर ब्लाउज से। आपने तो देखा होगा दीपिका, अनुष्का, आलिया, कैटरीना, इनके ट्रेडिशनल लुक सिंपल बट यूनिक रहते हैं बिकॉज ऑफ उनके डिजाइनर ब्लाउज से। तो ऐसे ही डिजाइनर ब्लाउज सिखाने के लिए मैं डिजाइनर प्रजक्ता आपके लिए लेके आई हूँ सब्यसाची ब्लाउज की पूरी सीरीज, जिसमें आप सीखने वाले हो आज सब्यसाची स्टाइल का ए वाला ब्लाउज। बहुत बार आपके कस्टमर आपके पास ऐसे डिजाइनर ब्लाउज के पैटर्न लाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आपने कभी वो बनाए नहीं है और लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप वो बना नहीं पाते। ऐसे डिजाइन आप मुझसे सीख के आपका इनकम भी बढ़ा सकते हो और ऐसे बॉलीवुड स्टाइल आपके कस्टमर को ऑफर भी कर सकते हो। तो ऐसे डिजाइनर पैटर्न का ड्राफ्टिंग सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ये सभी डिजाइनर पैटर्न आप मेरे साथ हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पे सीख सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सरप्राइज भी है। तो ये सरप्राइज क्या है, इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, जिसका यूज करके आप हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से कोई भी कोर्स 50% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हो, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ही अभी वैलिड है। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे कोर्सेज 50% डिस्काउंट के साथ ले सकते हो। तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ आपके टेलर टू डिजाइनर जर्नी को और बढ़ाइए आपके इनकम को। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा लर्न चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, डिजाइनर सब्यसाची स्टाइल ब्लाउजेस हम सीख रहे हैं, उसमें से आज हम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा ब्लाउज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल लगते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें लगने वाला है क्राफ्ट पेपर, मार्कर पेन, मेजरमेंट टेप, स्केल, फ्रेंच कर्व स्केल, नॉचर, पल्पिंस, सीजर। ये सभी मटेरियल हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगने वाले हैं। चलो तो फिर सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज के ड्राफ्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज के लिए कौन कौन से मेजरमेंट मैंने लिए हुए ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ब्लाउज की फुल हाइट 12 इंच, फ्रंट नेक हाइट 9 इंच, बैक नेक हाइट 10 इंच, टक्सपॉन हाइट 9.5 इंच, चेस्ट राउंड 34 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच, स्लीव्स हाइट 10 इंच, स्लीव्स राउंड 10 इंच। ये सभी मेजरमेंट्स हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगने वाले है। हम हमारा ड्राफ्ट जो है इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने वाले है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राफ्टिंग को। सबसे पहले हम ये ड्राफ्ट पेपर लेंगे। ये जो ड्राफ्ट पेपर है, इसके दो ऑन फोल्ड साइड हमने लिए हुए, एक है ब्लाउज के फ्रंट साइड के लिए और दूसरी ब्लाउज के बैक साइड के लिए। और आप देख सकते हैं ये जो ऑन फोल्ड साइड है मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ली हुई है और मेरे राइट हैंड साइड पे ओपन साइड है। तो सबसे पहले ये जो ऑन फोल्ड साइड है, इसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम जीरो नंबर देंगे और अभी हम लेने वाले जीरो टू वन का मेजरमेंट। जीरो टू वन का मेजरमेंट लेते वक्त जितने हमारी ब्लाउज की हाइट है उसमें हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारे ब्लाउज की हाइट है 12 इंच, उसमें हाफ इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 12.5 इंच। ये देखिए इस प्रकार 12.5 इंच हमें इधर लेना है और इधर नंबर देंगे एक। फिर इसके बाद हम लेने वाले है जीरो टू टू का मेजरमेंट। जीरो टू टू का मेजरमेंट हम लेने वाले है शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर का मेजरमेंट लेते वक्त जब भी हमारे डीप गले के ब्लाउज का ड्राफ्ट रहता है तो उसके लिए हम हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको रेफर करेंगे। ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उस चार्ट में 34 चेस्ट के लिए 0 टू 2 का मेजरमेंट हमें लेना है 4.5 इंच। तो अभी हम 0 टू 2 का मेजरमेंट लेंगे 4.5 इंच और इधर नंबर देंगे दो। फिर इसके बाद हम लेने वाले दो से तीन का मेजरमेंट। दो से तीन का मेजरमेंट है हमारे शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट। शोल्डर पट्टी जो है हमारी रेडी हमें 1.5 इंच की चाहिए और उसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन मिलाएंगे। तो दो से तीन का मेजरमेंट हम लेने वाले हैं 2 इंच और इधर नंबर देंगे 3। फिर इसके बाद हम लेने वाले 3 से 4 का मेजरमेंट। 3 से 4 का मेजरमेंट है हमारे आगे के गले के हाइट का मेजरमेंट। हमारे आगे के गले के हाइट है 9 इंच, तो हम एक तिरछा लेंगे 9 इंच और इधर नंबर देंगे 4। फिर इसके बाद हम लेने वाले 4 से 5 का मेजरमेंट।
चार से पांच का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा जीरो से तीन का मेजरमेंट है उतना ही लेना है। तो इधर हम देखेंगे जीरो से तीन का मेजरमेंट है हमारा 3 इंच, तो इधर हमें लेंगे 3 इंच और इधर नंबर देने वाले हैं 5। फिर इसके बाद 3 से 5, 5 से 4 हम ज्वाइन करके लेंगे और इधर हमें आगे के गले का शेप ड्रॉ करना है। आगे का गले का हम वी शेप ड्रॉ करने वाले हैं। पेपर को हल्का सा टर्न करके हम इधर वी शेप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस प्रकार। फिर इसके बाद हम लेने वाले 2 से 6 का मेजरमेंट। 2 से 6 का मेजरमेंट है हमारे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट लेते वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है उसको रेफर करके हमें लेना है। ये जो चार्ट है ये मैंने हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट बुक में से रेफर किया हुआ है। तो 34 चेस्ट के लिए हमें 2 से 6 का मेजरमेंट लेना है 1.25 इंच, तो इधर हम लेंगे 1.25 इंच और नंबर देंगे 6। 2 से 6 हमें ज्वाइन करना है, लेकिन 2 से 6 ज्वाइन करने से पहले जितना हमारा 0 to 2 का मेजरमेंट है 4.25 इंच उतना ही इधर प्रॉपर है ना ये हम चेक करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। और अभी 2 से 6 हम ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम लेने वाले 0 से 7 का मेजरमेंट। 0 से 7 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा 2 से 6 का मेजरमेंट है उतना ही लेना है। हमारा 2 से 6 का मेजरमेंट था 1.25 इंच, तो इधर भी हम 1.25 इंच लेंगे और नंबर देने वाले हैं 7। फिर इसके बाद हम लेंगे 7 से 8 का मेजरमेंट। 7 से 8 का मेजरमेंट लेते वक्त हमें लेना है हमारे छाती घेर का चौथा हिस्सा और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 8.5 और 1.5 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 10 इंच, तो इधर हम 10 इंच लेंगे और नंबर देने वाले हैं 8। और फिर इसके बाद 6 से 8 हम ज्वाइन करके लेंगे। फिर इसके बाद हमें लेना है 1 से 9 का मेजरमेंट। 1 से 9 का मेजरमेंट लेते वक्त हमारे कमर घेर का चौथा हिस्सा हमें करना है और उसमें हमें 2.25 इंच मिलाना है। हमारा कमर घेर है 30 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 7.5 और उसमें 2.25 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 9.75 इंच। इधर हम लेंगे 9.75, 10 इंच और नंबर देंगे 9। फिर इसके बाद 1 से 9 हमें ज्वाइन करना है। 1 से 9 ज्वाइन करने से पहले जितनी हमारी हाइट थी 12.5 इंच उतनी इधर प्रॉपर हम चेक करेंगे, ये देखिए इस प्रकार। और फिर हम ज्वाइन करके लेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। फिर इसके बाद 8 से 9 हम ज्वाइन करके लेंगे। अभी हम लेने वाले 8 से 1 का मेजरमेंट। 8 से 1 का मेजरमेंट लेते वक्त हमारा सिलाई मार्जिन था 1.5 इंच, उतना ही हम अंदर की साइड लेंगे। इधर अक्षर देंगे X, सेम 1.5 इंच हम 9 से लेंगे। 9 से Y भी हम 1.5 इंच ही लेने वाले हैं और अक्षर देंगे Y और फिर X और Y हम ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद अभी हमें आर्म होल के शेप जो है देने हैं, तो इसके लिए आर्म होल के मेजरमेंट हम ड्रॉ करके लेंगे। उसके लिए 6 से 1 का हम सेंटर निकालेंगे, ये देखिए इस प्रकार। फिर इस मेजरमेंट टेप को हमें ऐसे फोल्ड करके लेना है और सेंटर निकालना है और इधर हमें नंबर देना है 10। फिर इसके बाद 10 से जेड हमें 1 इंच अंदर की तरफ लेना है, अक्षर देंगे जेड और फिर 2 से जेड हमें ज्वाइन करके लेना है। फिर इसके बाद अभी हम 6 से 11 और जेड से 12 आर्म होल के शेप ड्रॉ करने के लिए तिरछा लेने वाले हैं। इधर हम 1/2 से 1.25 इंच तिरछा ले लेंगे, इधर नंबर देंगे 11, इधर भी 1/2 से 1.25 इंच हम तिरछा लेंगे और नंबर देंगे 12। तो अभी हमें पीछे के और आगे के आर्म होल के शेप जो है ड्रॉ करके लेने हैं। आर्म होल के शेप ड्रॉ करने के लिए हम इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंच कर्व को स्ट्रेट ही रखना है, सभी पॉइंट्स को मैच करके लेना है हमें, ये देखिए इस प्रकार इधर तक। और फिर इसके बाद 8 से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ लेना है, ये जो शेप जो है हमें ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करके लेना है। सेम
सेम इसी प्रकार हमें आगे के आंगोल का शेप जो है ड्रॉ करके लेना है, प्रॉपर ऐसे हमें मैच करके लेना है। ये देखिए, देन हमें इसी लाइन से इसे मैच करके लेना है। तो ये देखिए, इस प्रकार हमारा पीछे के और आगे के आर्म होल के शेप जो है ड्रॉ करके हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम लेने वाले हैं 0 से M का मेजरमेंट। 0 से M का मेजरमेंट लेते वक्त जितनी हमारी टक्स पॉइंट हाइट है उसमें हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारी टक्स पॉइंट हाइट है 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 10 इंच। इधर हम 10 इंच मार्क करके लेंगे और अक्षर देंगे M। फिर इसके बाद हमें लेना है M से A का मेजरमेंट। M से A का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा छाती घेर है उसका हमें 10वां हिस्सा लेना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका 10वां हिस्सा आ जाता है 3.4। हम राउंड फिगर 3.5 इंच ले लेंगे, ये देखिए इस प्रकार, और इधर अक्षर देंगे A। फिर इसके बाद A से B हमें 0.5 से 1/4 इंच नीचे की तरफ लेना है, अक्षर देंगे B। 34 चेस्ट के लिए मैंने A से B का मेजरमेंट 0.5 से 1/4 इंच लिया है। चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हमें ये जो A से B का मेजरमेंट है वो चेंज करना है, तो कैसे लेना है इसका चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसे रेफर करके आप ले सकते हो। फिर इसके बाद हम लेने वाले X से C का मेजरमेंट। X से C का मेजरमेंट लेते वक्त हमें 1 इंच लेना है, इधर अक्षर देंगे C, और फिर C से B हम फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करके लेंगे। C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक हमें शेप ड्रॉ करके लेना है, और फिर ए B पॉइंट से हमें हमारे योग पट्टी जैसा शेप इधर हमारे गले के शेप तक ड्रॉ करके लेना है। पॉइंट्स अच्छे से मैच करने हैं और फ्रेंच कर्व से ही ए शेप जो है हमें ड्रॉ करके लेना है। फिर इसके बाद सी से डी हमें 3 इंच नीचे की तरफ लेना है, इधर अक्षर देना है डी, और फिर ए जो बी से हमने योग का शेप ड्रॉ किया हुआ है उसे अक्षर देंगे ई, और फिर ई पॉइंट और डी पॉइंट हमें ज्वाइन करके लेना है। उसी प्रकार ए और डी हमें ज्वाइन करके लेना है, और ए और ई भी हमें ज्वाइन करके लेना है। फिर इसके बाद ई से डी का हमें सेंटर निकालना है, और इधर अक्षर देना है हमें एफ, फिर एफ और ए को हमें स्ट्रेट ज्वाइन करके लेना है, और उसका सेंटर निकाल के उसे अक्षर देना है जी, और फिर डी से जी, जी से ई हमें फ्रेंच कर्व से शेप ड्रॉ करके लेना है। इस प्रकार ये तीनों पॉइंट अच्छे से मैच होने चाहिए। तो ये देखिए, इस प्रकार हमारे सभ्यसाची स्टाइल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग जो है रेडी हो चुका है।